मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, हर रोज है। 5 साल की रिलीजियस ओसीडी 80% हुई ठीक और वो भी बिना दवाई, मात्र 2 ही दिन में। कैसे ठीक हुई, क्या सिम्टम थे रिलीजियस ओसीडी के, कैसे कैसे मन्नत वाले विचार आते थे, कैसे भगवान के प्रति सेक्सुअल गंदे विचार आते थे, ये जानेंगे शाहरुख खान जी से। शाहरुख खान जी पुणे से आए और ये ठीक हुए हैं जी। शाहरुख खान जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप ठीक हुए। जी जी, थैंक यू सर, आपका बहुत काफी मेरी हेल्प की। जी, तो आप बताइए कि आपको कितने साल से ओसीडी थी? मेरे को 4-5 सालों से ओसीडी थी। जी, और क्या क्या लक्षण थे वो आप खुल के बता दीजिए। लक्षण मेरे को ये थे सर कि मेरे को डर लगता था, घबराहट होती थी, फिर मेरे को उसके बाद मतलब सांसें थोड़ी छोटी छोटी आनी, वो होना, फिर बाद बाद पे मतलब डर लगना मेरे को, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने गलत सोचा है भगवान के लिए तो अब वो हो जाएगी, सजा मिल जाएगी मेरे को, भगवान सजा दे देंगे, भगवान से, भगवान मेरे को सजा दे देंगे, मैं उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ उनको, मतलब इतना कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे को मतलब ऐसे ऐसे थॉट आते थे। तो मैं कोई काम करने जाता था तो मेरे को लगता था अब वहां से मेरे को असफलता ही मिलेगी, क्योंकि मैंने भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर दी है, वहां पे मैंने इतना कुछ गंदा उनको बोला हुआ है। जी जी, तो मतलब यही मेरे को ज्यादा आते थे, तो ट्रिगर होते थे अलग अलग तरीके से मेरे को आते थे ये थॉट्स, तो तंग करते थे। तो अब तो सर काफी मेरे को मतलब 80% तो फर्क लग ही गया मेरे को। जी, तो 80% आप ठीक हुए जी, तो ऐसा आपने क्या सीखा कि आप 80% रिकवर हो गए? मेन तो सर आपने मेरा भगवान वाला ही मतलब पूरा वो कर दिया ना, कंसेप्ट डिलीट कर दिया कि भाई जो ये भी चीजें मूर्ति वगैरह ये हमारी सिर्फ कल्पनाएं हैं ये सिर्फ, है ना, कि भाई हम सोचते थे कि भाई ये मूर्ति है शायद सच्ची में इन्हीं में भगवान है, ये तो कुदरत हमने बनाया वो है सब कुछ, जो मूर्ति वगैरह वो हमने बनाई है, हमने ही मतलब वो बोला हुआ कि भाई हाँ इधर भगवान होते हैं ये होते हैं, ये सब कुछ मतलब गलत है सर जी, है ना, इसमें कोई मूर्तियों में कोई भगवान नहीं होते हैं, ये तो हमारी सिर्फ कल्पनाएं हैं, वो हम उसी का इमेजिनेशन करके तो अपने आप को गलत ठहराते हैं और बोलते हैं कि भाई पाप लगेगा या मैं नरक में जाऊंगा मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट ही मतलब क्लियर हो गया कि कोई मतलब भगवान छुवान है लेकिन मतलब प्रकृति में है। हाँ, प्रकृति के नियम ही भगवान है। वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात सीखी। जी जी, तो 2 दिन में आपने ये सीखा और आपकी ओसीडी गायब हुई। जी जी, तो इन 2 दिनों के दौरान कोई आपको विशेष अच्छी बात लगी हो जो आपके दिल को छू गई हो? मेरे को सर आपका भी नेचर बहुत अच्छा लगा जो डाउन टू अर्थ में बोल रहा हूँ आप, मतलब बिल्कुल वीडियोस में कुछ और देखते हो मतलब ऐसे, नहीं वीडियोस में देखता हूँ तो वैसा ही ना अलग... वो तो नेचर चाहिए नहीं, कई बार ऐसा हो वीडियो में कुछ अलग दिखाए बंदा, ना ना मतलब जैसे वीडियो में ऐसे ही इधर ही हो। अच्छा जी, ठीक फिर तो ठीक बात है। अच्छा, तो जिनको भी ओसीडी है, आज भारत वर्ष में लाखों करोड़ों लोग ओसीडी से परेशान जी सर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मतलब मैसेज देना चाहूंगा कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, भगवान कभी आपको सजा नहीं देते हैं जी, कोई आपको मतलब वो नहीं करते कि भाई आपको वो दे देंगे सजा वगैरह दे देंगे या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसका मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। हाँ, भगवान है क्या है, मतलब प्रकृति ही भगवान है, इसको ही समझना है, है ना सर जी। तो आपको मन्नत वाले विचार भी तंग करते थे जी जी, वो कैसे दूर हुए? वो सर वही आपने क्लियर करवाया कि भाई अगर उसी में है ही नहीं भगवान तो फिर क्या करना है, वो तो उसके साथ ही डिलीट हो गए, उसी के साथ डिलीट हो गए। अब आपकी आगे की लाइफ कैसे व्यतीत होगी? अभी मैं सर अपने काम पे थोड़ा फोकस करूंगा क्योंकि पहले तो इसी में उलझा रहा था ना मैं, मतलब मैं था प्रॉब्लम सॉल्यूशन माइंड बन गया था कि अब ये प्रॉब्लम आई है अब इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं भगवान के लिए, अब ये आया अब इसको सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इसका, अब ये कंसेप्ट ही मतलब हट गया ना, अब मैं अपने काम पे थोड़ा फोकस करूंगा जो मेरा इंटरेस्ट है जिसपे। जी, तो आप अपने इंटरेस्ट वाले काम पर फोकस करें। जी सर, जिसमें आपको आनंद आता है। मेरी पढ़ाई छूटी थी वो मैं पहले कंप्लीट करूंगा सर। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, अब आप उसी पर फोकस करेंगे, फोकस कर देंगे। जी सर जी, तो इसके अलावा कोई आपका और मैसेज?
और मैं से अगर कोई भी मतलब जूझ रहा है तो आप सर के पास आइए, अच्छी लायक रहिए, 2 दिन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप ठीक होके ही जाएंगे जी। चलिए, ये आपकी बहुत बहुत अच्छी टिप्स है, सुझाव है जी सर। तो दवाइयों के बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं सर, दवाइयां नहीं सर खाने चाहिए, वो उल्टा सर खराब करती है अपने शरीर को। आपने दवाइयों का क्या दुष्प्रभाव झेला? मैंने सर, मेरा वेट हो गया था ज्यादा, फिर मैं नशे करने लगा था। अच्छा, फिर मैं वो उल्टे सीधे नशे करने लगा, सिगरेट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद शराब वगैरह पीना, मतलब ये मैं काफी पीता था। तो मैं जैसे मैंने वो दवाइयां खानी तो बस मेरे को सो जाना, मैंने तो सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं ऐसे, बिल्कुल नशे में ऐसे। दवाइयों से सिर्फ नशा है सर, मतलब दवाइयां सिर्फ नशा अंदर करती है, बस पूरा दिन बंदा नशे में रहता है बस। तो जितने भी सिम्टम्स है वो दबा के रखते हैं बस, कंप्रेस करते हैं बस। तो दवाइयों का मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए मेरे सजेशन। जी जी जी, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ओसीडी बिना दवाई भी ठीक की जा सकती है। ठीक की जाती, मैं हुआ हूँ सर इसलिए। आप उसका जीता जागता उदाहरण। जी जी, उदाहरण हूँ मैं। चलिए, आपने अपनी ओसीडी पर काम किया, आपने आपको ठीक किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप में जो खास बातें रही वो ये रही कि आपके अंदर समर्पण बहुत है, शिष्यत्व है, आप बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, इन्हीं चीजों ने आपको ठीक किया और आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है।